दूध देखी बाहर है रचो धीनाई की धो समूह में भल लगच हमर बरेरो। नमस्कार भाइयों बहनी मित्रों, नमस्कार। मिचू महेंद्र पहाड़ी आप लोग मगर जाने रहे भा। तो मित्रों आज हम बीच में एक बार फिर आएगी हमारे आनंद वल्लभ भट्ट जनौर की सरे हमारे उत्तराखंड में सबू रहे उनर जो कविता छन उन्हें रट तो भटजियो आप सुना दियो फटाफट किए हमारे भाई मित्रों को। मिल को जनर हमेशा गढ़ रहे अघाड़ी, हमेशा गढ़ रहे अघाड़ी और जमेशा जिजी गियर में है उन गाड़ी। ऊँचनो हम महेंद्र पहाड़ी, ऊँचनो हम महेंद्र पहाड़ी, सब उनको जानी सब उनको पछाड़नी, सब उनको जानी सब उनको पछाड़नी। भाट गाड़ बे पामड़ी गाड़ तक ककरार बे शुक्रार तक से पछाड़नी हमर महेंद्र पहाड़ी, महेंद्र पहाड़ी, महेंद्र पहाड़ी। आई हम उन सामी हम है अनाड़ी और सब बुबे बढ़िया फिर लगने वे महेंद्र पहाड़ी। तो महेंद्र पहाड़ी जो कोनी ए गीत तुम बड़ो रो बार में बना वो गीत हमको सुना दियो। तो मिले गीत बना दूध देखी बाहर है रचो धीनाई की धो समूह में भल लगच हमर बरेरो। दूध देखी बाहर है रचो धीनाई की धो समूह में भल लगच हमर बरेरो। लोद बटी गिरे चिन कौशन बे मनान शरद छू बर रोकी शान खूब होनी आलू एती भल होनी धान कुछ गाड़े में माचे होनी माच खाने की धो सेनी लूनी लकड़का से मेष बनी हो समूह भी बल लगच हमर बरेरो। सौ बुट में बानर भैरो पानर काखिम भो समूह भी बल लगच हमर बरेरो। हमरो कौशानी छू पहाड़ों की रानी मिंतन नन लिखी गया यत की कहानी काटली कफल भी जोड़ी लो शालय छानी कहीं कोनी लजुड़ी ही तोई कहीं अब ये मो समूह में बल लगच हमर बरेरो। बहुत बढ़िया कविता सुन दे और गीत दगोड़ में हमारे आनंद वल्लभ भटजी सुना आप लोगों को। और आनंद वल्लभ भटजी को शायद हम 10-15 साल बेटी लगातार जानते उन्हों उनर कविताओं को सुनते उन्हों। तो भटजू जरा सा महेंद्र पहाड़ी यूट्यूब चैनल लीजिए लेके कहो हमर महेंद्र पहाड़ी जो यूट्यूब चैनल बहुत बढ़िया चैनल सु बहुत बढ़िया चैनल सु इन चैनल के सब सब्सक्राइब करिए। मेरे को कौन नहीं होन बल्कि मैं कहा चुटकुल्ले तुमको सुन दिन। एक बार ये साहब थे उनकी बीवी बहुत ज़्यादा काली थी, इतनी ज़्यादा काली थी कि अंधेरे में खड़ी हो जाती दिखती भी नहीं थी। एक दिन उन्होंने लाल साड़ी पहन ली और अपने हस्बैंड से बोली आज मैं कैसी लग रही हूँ। उसके हस्बैंड ने कहा ऐसी लग रही हो जैसे कोयले की खान में आग लग गई हो। एक बार एक साहब थे लखनऊ से घूमने को आए भवाली में, भवाली में सीधे साधे आदमी से साहब ने पूछा भाई साहब मेरे को कौसानी जाना है रास्ते में कौन सी जगह लगेगी देखना है अच्छी अच्छी। सीधे साधे आदमी ने कहा साहब पहले तो लगेगी कैंची फिर पड़ेगा गर्म पानी आगे को खैरना। साहब भवाली से ही वापस हो गए। उन्होंने अपने दिमाग में सोचा कि पहले तो सिर में कैंची लगेगी फिर ऊपर से गर्म पानी पड़ेगा आगे को खैर ही नहीं जबकि जगह का नाम है। अरे अच्छा अच्छा। तो मित्रों आज अपन लोगों हमारे आनंद वल्लभ भटजी एक और रूप ले दिखली दी रूप और जो कि हमको गीतों बारे में उन्हें पता नहीं चाहिए वो गीत ले लिखनी और गीत गानी ले कभी और चुटकुल्ले सुननी कभी। आज यानी हमूल देखो आज यानी हमूल हमारे आनंद भटजी कविताओं का आनंद ले और अब हम ये लिखा उन्हें गीतों और चुटकुलों का आनंद लेनी छूँ। और ये एक शुरुआत महेंद्र पहाड़ी यूट्यूब चैनल बैठी है ये हमली जी बहुत ठुल मतलब एक वरदान होगो। बहुत बहुत धन्यवाद। और की कौन चाचा आप।